आज के खूबसूरत दिन प्रभु वचन के मनन के लिए मैं फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूं। अपनी जो जुबान है उसमें बहुत सारी ताकत है। बहुत बार अनजाने में बहुत सारी गलत बातें हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में या अपनी जिंदगी के बारे में या दूसरों के बारे में कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये बातें हमारे जीवन में काम करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें क्या कहता है ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 और वचन नंबर 17। कुछ यहाँ पर ऐसे लिखा है कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। देखिए, हमारे जीव में जो हम बातें कबूल करते हैं, जिन बातों को हम दोहराते हैं, उनके द्वारा हमारे जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। भजनकार यहाँ पर कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। प्रियो, जो भी गलत बातें आप अपने बारे में कह रहे हैं, वो बातें आपके जीवन में काम करती। यहाँ पर जब मौत की खाई से गुजरने का सफर दाऊद के जीवन में आया, तब वो कहता है कि मैं मरूंगा नहीं लेकिन जीवित रहूंगा। बहुत बार मृत्यु की बातें हम हमारे मुंह से दोहराते हैं, कई बार मजाक मजाक में, कई बार गुस्से से बहुत सारी गलत बातें हमारे जुबान से हम दोहराते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बातें आपके जीवन पर, आपके शरीर और खासकर आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालने वाली, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के वचनों में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य तभी काम करता है जब एक भूमि पर रहने वाला मनुष्य जीवित और सच्चे खुदा के वचनों को अपनी जुबान से दोहराता है। अगर वो गलत बातें दोहराएगा तो उसके जीवन में वो होगा। वचन ऐसे भी कहता है कि जीभ की चाहत जो करता है उसका फल वो खाएगा। अगर आप गलत बातों की चाहत कर रहे, गलत बातें बोल रहे, तो उसका फल आप निश्चित खाएं। मैं उत्तेजन करना चाहता हूं, आज से जिंदगी दोहराना शुरू करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के प्रति, अपने घर, रिश्तेदारों के प्रति, अपने काम और सभी बातों के प्रति आनंद के साथ अच्छी बातें दोहराएं। परमेश्वर के काम आपके जीवन में आप निश्चित देखेंगे। प्रभु आपकी जीवन को आशीषित करे।